हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11, सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें आज हम लोग हमारा टेक्स्ट बुक को छोड़ के आज हम लोग ग्रामेटिकल पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो उसके अंदर आज मैं आपको करवा रही हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस, ओके, जो कि है पेज नंबर 87 पे। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके अंदर जैसे कि आप लोगों को चेंजेस करने सारे आते हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम लोग एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे कि एक्टिव वॉइस की जो वाक्य रचना होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर उसी को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट सबसे लास्ट में चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 का जो है वो V3 हो जाएगा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारी वाक्य रचना हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है दर्शन प्लेज क्रिकेट, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, क्रिकेट इज प्लेड बाय दर्शन। ओके, अब यहाँ पे क्या था, प्लेज था, मतलब कि वर्तमान रूप था इसका। अब अगर यहाँ पे ING आ जाए, चालू वर्तमान प्लेइंग ING लग जाए, तो हम लोग जब V3 लगाते हैं उससे पहले बींग लगा देंगे, क्रिकेट इज बींग प्लेड बाय दर्शन, तो बींग आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हैव हैज़ या हैड आ जाता है, दर्शन हैव प्लेड क्रिकेट ऐसा आ जाता है, या हैज़ प्लेड क्रिकेट, हैड प्लेड क्रिकेट, हैव हैज़ हैड आ जाता है, तो उसका हम क्या कर देंगे, क्रिकेट हैड सपोज करो हैज़ आया, तो हैज़ बीन प्लेड बाय दर्शन, तो बीन आ जाता है, हैज़ बीन आ जाता है, ING वाले में बींग आ जाता है। और जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर V1 का V3 हो जाता है। V1 का तो V3 सभी सेंटेंस में होगा, बट अगर ING आएगा तो बींग लगा देंगे, हैव हैज़ हैड आएगा तो हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन लगाएंगे। ओके, तो उसके बाद में हम लोग एक दो देख लेते हैं कोई भी सेंटेंसेस। ओके, तो उसमें हम लोग एक दो पैराग्राफ्स देख लेते हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 7 पेज नंबर 87 पे है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, जिसमें फर्स्ट है अली भाई हैड सीन द लेपर्ड कब्स बिफोर ही फिनिश्ड हिज लंच, हैविंग हियर्ड द रोर ऑफ अ वाइल्ड एनिमल ही बिकम मोर कंसिशियंस। तो इसमें हमें चेंज द वॉइस करना है, मतलब एक्टिव का पैसिव वॉइस में करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो द लेपर्ड कब्स वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे आया था हैड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन सीन बाय अली भाई बिफोर हिज लंच, वहाँ पे भी हैड आया तो हैड का क्या हो जाएगा, हैड बीन फिनिश्ड V3, द रोर ऑफ अ वाइल्ड एनिमल हैविंग बीन हियर्ड, अब यहाँ पे हैविंग आया तो वहाँ पे बींग नहीं आएगा, हैव हैज या हैड के साथ भी अगर ING आ जाता तो वहाँ भी क्या आएगा, हैविंग बीन, बीन ही आएगा, हियर्ड ही बिकम मोर कंसिशियंस। ओके, तो हैव हैज हैड का क्या हो जाता है, हैव बीन हो जाता है, और यहाँ पे एक नई चीज़ आई हैविंग, तो हैविंग का भी क्या हो जाएगा, हैविंग बीन। उसके बाद में एक पैराग्राफ और देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 9, राहुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही सा अ बॉल लेइंग ऑन द पिच, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प, दे डिड नॉट लाइक इट। ओके, तो देखो क्रिकेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आ जाएगा, क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाय राहुल, अ बॉल लेइंग ऑन द पिच वॉज सीन V3 बाय हिम यानी कि राहुल, His friend were called for help by him. It was not liked by them. Okay, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, V1 का V3 हो गया है, अगर V3 था तो V3 का V3 रहा है,
और बाय लगा दिया है। तो ये हमारा सिंपल पैराग्राफ था। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।